हेलो फ्रेंड्स, मैं स्टडी 91 चैनल से नितिन गुप्ता आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम बिल्कुल नए टॉपिक को लेकर आए हैं। कई लोगों के चेहरे पे मुस्कान आने वाली इस टॉपिक को पढ़ करके। मैं कोशिश करूंगा कि रोज़ आपको 25 क्वेश्चन दूँ, ठीक है, डेली 25 क्वेश्चन, या अगर डेली ना भी दे पाऊँ तो कम से कम हर दूसरे दिन मैं आपको 25 क्वेश्चन दूँ, ऐसे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो। तो सबसे पहले मैंने शुरू किया है यूपी स्पेशल के बारे में, उत्तर प्रदेश स्पेशल के बारे में, जहाँ से मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन कवर कराऊंगा। वैसे मेरा टारगेट है दोस्तों कि मैं डेली 25 क्वेश्चन दूंगा, लेकिन अगर मैं नहीं दे पा रहा हूं, किसी वजह से वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा हूं, तो आप उसके लिए चिंतित मत होइएगा। टॉपिक मैं कवर कराऊंगा, सभी टॉपिक कवर कराऊंगा, ठीक है। तो ऐसा तो होता नहीं कि कभी मेरा वीडियो ना आए, डेली मैं वीडियो अपलोड करता हूं, चाहे किसी भी सब्जेक्ट का हो। तो क्योंकि सारे सब्जेक्ट हमें लेके चलने हैं, इसलिए सारे सब्जेक्ट पे हमें ध्यान देना पड़ता है, ठीक है। तो आइए इसको भी शुरू कर ही लेते हैं। आज पूरे के पूरे 25 क्वेश्चन करेंगे और थोड़ा सा फास्ट, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि चीनी के उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है। भारत की अगर हम बात करें तो चीनी के उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है, तो राज्य कौन सा दोस्तों, उत्तर प्रदेश। यानी हमारा जो प्रदेश है उत्तर प्रदेश, यह चीनी के मामले में उत्पादन में पहला स्थान रखता है। दोस्तों, अगर हम चीनी उद्योग के बारे में बात करें, थोड़ी सी मैं एक्स्ट्रा चीज़ आपको नॉलेज दूंगा हर क्वेश्चन में, ताकि ये क्वेश्चन नाम का एक है लेकिन आप दो तीन क्वेश्चन यहाँ से हो जाएगा। अगर हम चीनी उद्योग की बात करेंगे दोस्तों, तो सबसे पहला चीनी उद्योग 1903 में शुरू किया गया था। कितने में? 1903 में शुरू किया गया था, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। और 1931 आते आते 1931 आते आते हमारे देश में लगभग 29 कारखाने बन गए, ठीक है। 1931 आते आते, ठीक है, कारखाने कितने हो गए, तो 29 कारखाने टोटल बन गए थे, ठीक है, तो आप याद रखेंगे। और अगर हम सबसे ज़्यादा चीनी मिल की बात करें, तो सबसे ज़्यादा चीनी मिल दोस्तों आपके महाराष्ट्र में है, 143 चीनी मिल। और उत्तर प्रदेश की बात करेंगे, तो उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों की संख्या मात्र 116 है, उसके बावजूद भी उत्तर प्रदेश चीनी में पहला स्थान रखता है, ठीक है। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में पुरुषों की जनसंख्या कितनी थी, ठीक है दोस्तों। तो कई जगह आपको डेटा मिलेगा 10, 45, 96, 415, ये बहुत सारे जगहों पर डेटा मिला, जबकि ये बिल्कुल गलत डेटा है। आप इस पर फोकस मत होएगा, मैं इसलिए लिखा हुआ कि बहुत सारे किताबों में बहुत सारे लोगों ने ऐसा डेटा दिया है जो एकदम गलत है। आपका सही डेटा क्या है दोस्तों, 10, 44, 80, 510, ठीक है ना। तो ऐसे याद कर लीजिए, 10,44,80,510, तो 10,44,80,510 ऐसे मोबाइल नंबर की तरह याद करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनजाति, दोस्तों मैं जनजाति की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि सर्वाधिक जनजाति उत्तर प्रदेश में कौन सी निवास करती है, तो आपका जवाब क्या होगा, थारू जनजाति। कौन सी जनजाति दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश की। और सर्वाधिक जनजाति, जनजाति बोलते हैं किसको, एसटी को, ठीक है ना, अनुसूचित जनजाति, सॉरी जनजाति की बात कर रहे हैं, ठीक है। सबसे बड़ी जनजाति कौन होती है, तो ये थारू जनजाति है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि सबसे ज्यादा या सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा है हमारे यहाँ, जिला कौन सा है, तो सर्वाधिक है जहां पर है सोनभद्र। दोस्तों याद रखिएगा, सबसे ज्यादा जनजाति कहां पर रहती है, सोनभद्र में, याद रहेगा आपको, सबसे ज्यादा जनजाति सोनभद्र में रहती है। तो चाहे ये कहे आपसे कि सबसे जनजाति वाला जिला कौन सा है, या यह कहते आपसे कि सबसे ज्यादा जनजाति प्रतिशत वाला जिला कौन सा है, दोनों ही सोनभद्र है। जहां ज्यादा रहेगा वहां प्रतिशत भी तो ज्यादा रहेगा। और अगर मैं सबसे कम बोलूंगा तो है बागपत। बागपत जिले में क्या है दोस्तों, सबसे कम जनजाति रहती है। तो ये तीन क्वेश्चन बिल्कुल आप याद रखेंगे, ठीक है, याद रहेगा ना, कोई दिक्कत, समझ रहा हूँ कि कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से भी देखिए परसेंटेज भी रहेगा, और परसेंटेज भी आपसे पूछ रहा है किस जिले में सबसे कम प्रतिशत की जनजाति रहती है, तो बागपत जिले में, ठीक है ना, और सबसे ज्यादा सोनभद्र। देखिए इसके बाद पूछ रहा है कि हिंडन नदी के तट पर अवस्थित आलमगीरपुर, ये कौन सी जगह दोस्तों, आलमगीरपुर, सिंधु घाटी सभ्यता हम लोग आलमगीरपुर पढ़े थे, कि खोज सबसे पहली बार किसने किया था, तो भारत सेवक समाज ने किया था, किसी व्यक्ति ने नहीं किया था इसका, भारत सेवक समाज ने किया था। आलमगीरपुर दोस्तों हिंडन नदी किनारे है, ठीक है, मेरठ के पास पड़ता है। और आलमगीर जो है, अगर हम सिंधु घाटी सभ्यता की बात करेंगे, तो सबसे पूर्वी स्थल में से आता है, सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर। पश्चिमी की बात करेंगे तो सुतकांगेडोर, और ऊपरी बात करेंगे, उत्तर की तरफ बात करेंगे तो मांडा, और दक्षिण की बात करेंगे तो दैमाबाद। दैमाबाद कहाँ है दोस्तों, तो महाराष्ट्र में। ये चार था ना दोस्तों, और याद रखिएगा सुतकांगेडोर जो है बलूचिस्तान के पास है, ये मेरठ के पास है, ऊपर जम्मू कश्मीर के पास है मांडा, ये महाराष्ट्र के पास दैमाबाद, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन है, राज्य में दादरी ताप विद्युत परियोजना, कौन सा दादरी ताप विद्युत परियोजना कहाँ पर है, तो यह है दोस्तों गौतम बुद्ध नगर में, ठीक है, गौतम बुद्ध नगर में है दादरी
ताप विद्युत परियोजना। तो कैसे याद रखेंगे इसको आप, दादरी को तो गौतम बुद्ध तो आज के हैं नहीं, दादा के जमाने के हैं। दादा मतलब अब ऐसा तो नहीं पिताजी के जमाने के हैं, मतलब बहुत पुराने हैं, दादा मतलब बहुत पुराने हैं। तो इस तरह से आप याद कर लेंगे कि दादरी ताप विद्युत परियोजना कहाँ का है, गौतम बुद्ध नगर। ठीक है, एक ऐसी ट्रिक है, ठीक है, और कुछ है नहीं। राज्य की कौन सी नदी की सहायक नदी बिहड़ों का निर्माण करती है? दोस्तों देखिए, कौन सी नदी नहीं है, कौन सी नदी की सहायक नदी बिहड़ों का निर्माण करती है? तो यमुना नदी की सहायक नदी है दोस्तों चंबल नदी। ठीक है ना, जनापाव पहाड़ी के पास से निकलती है चंबल नदी दोस्तों, वो याद रखिएगा। महू, महू जानते हैं ना, महू के पास से निकलती है। महू में दोस्तों डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म हुआ था, ठीक है, और यहीं पर है जनापाव पहाड़ी, जनापाव पहाड़ी वहीं से निकलती है ये नदी, कौन सी, चंबल नदी। और चंबल नदी क्या करती है, बिहड़ों का निर्माण करती है। इसका पुराना नाम दोस्तों चर्मवती था, चर्मवती। ठीक है, आगे देखिए, फिर अगला क्वेश्चन है, राज्य में प्रथम खनिज नीति की घोषणा कब की गई? राज्य में प्रथम खनिज नीति की बात कर रहा हूँ दोस्तों। देखिए दो तरह की नीतियाँ आएंगी अभी आपके सामने, एक खनिज नीति है और ऐसी करके एक नीति और आपको देखने को मिलेगी, तो आप बिल्कुल कन्फ्यूज मत होएगा। ठीक है ना, मैंने पूछा कि राज्य में पहली खनिज नीति कौन कौन कब आई, लागू हुई कब, तो ये लागू हुई थी 29 दिसंबर 1998 को दोस्तों, 1998 में लागू हुई थी खनिज नीति। 1998 में जो टाइम चल रहा था वो बीजेपी के अटल बिहारी वाजपेयी जी का समय था, उन्हीं के समय में आया था। ठीक है, मैं देश की बात कर रहा हूँ, राज्य की नहीं। तो खनिज नीति, ठीक है दोस्तों, तो खनिज नीति 1998 में 29 दिसंबर, तो ये भी पूछता है, आपको ऑप्शन दे देगा 29 जनवरी, 29 मई, ऐसे करके भी फंसाता है। ठीक है, तो बिल्कुल आप वहाँ परेशान मत होइएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, राज्य की वह जनजाति जो दीपावली त्यौहार को शोक के रूप में मनाती है, शोक के रूप में मनाती है, तो कौन सी जनजाति है? थारू जनजाति दोस्तों है, थारू ही सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में पाई जाती है, और यही वह जनजाति है जो दीपावली त्यौहार को शोक के रूप में मनाती है। मैं बात करूँ कि ऊनी वस्त्र, अगला क्वेश्चन देखिए, ऊनी वस्त्रों की प्रसिद्ध लाल इमली मिल कहाँ पर है? लाल इमली मिल दोस्तों ये एक मिल है, और ऐसा नहीं कि मुझे खाने वाली चीज़ मिलती है, लाल इमली इमली मिलती है, नहीं, एक मिल है, कपड़े की मिल है, ऊनी कपड़ों की, ऊनी वस्त्रों की मिल है, और यहाँ पर दोस्तों साल और कंबल तैयार किए जाते हैं, साल और कंबल तैयार किए जाते हैं। और ये मिल जो है अंग्रेजों के ज़माने की मिल है, एक ज़माना था जब यहाँ पे 5,000 से अधिक लोग काम करते थे, लेकिन आज इसकी कंडीशन बहुत ख़राब हो गई है, इसकी प्रॉफिट बहुत कम हो गई है, और ये बंद होने के कगार पे है। 2008 से ही इसको प्रयास किया जा रहा है कि भारत सरकार इस पर थोड़ा ध्यान दे, लेकिन वो नहीं दे रही है, और ये है कानपुर में। ठीक है, तो ये कानपुर में आप याद रखेंगे ना, लाल इमली मिल, घंटाघर कानपुर, घंटाघर कानपुर के पास। ठीक है, घंटाघर के पास कानपुर में कोयला आधारित एक ताप विद्युत केंद्र है जिसका नाम है अनपरा ना, अनपरा ताप विद्युत केंद्र कहाँ है दोस्तों? तो सोनभद्र में ही है, अनपरा ताप विद्युत केंद्र कहाँ पे है? सोनभद्र में। तो याद रहेगा, अभी हमने सोनभद्र को बताया कि सबसे ज़्यादा प्रतिशत या सबसे ज़्यादा जनजाति कहाँ रहती है, तो सोनभद्र में, तो ठीक है, और सबसे कम बागपत में। तो सारे क्वेश्चन को आप याद करते रहिए। अगला देखिए, ये स्पेशल 25 है दोस्तों, राज्य में कांसीराम कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ पर है? राज्य में कांसीराम कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो बांदा में है दोस्तों। ठीक है, बांदा में है कांसीराम कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। ठीक है, कांसीराम जी बहुत ही बड़े नेता थे, ठीक है, बसपा के हेड थे, आपको पता होगा, बहुत अच्छा अच्छा काम इन्होंने किया। जब मैं इतिहास को, मॉडर्न इतिहास पढ़ाऊंगा, तो वहाँ आपको इनके काम बताऊंगा। बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे, बहुत 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 ही अच्छे व्यक्ति। ठीक है, देखिए, राज्य में चूड़ी उद्योग कहाँ फेमस है? तो चूड़ी उद्योग, जैसा आपको जानते हैं सभी लोग, की जो हाथ में चूड़ी पहनी जाती है, उसका उद्योग फिरोजाबाद में है और बहुत ही फेमस है। ठीक ना, तो फिरोजाबाद में चलता है चूड़ी उद्योग। अगला देखिए, किस वर्ष उत्तर प्रदेश में राज्य चीनी निगम लिमिटेड की स्थापना हुई? उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुई है? तो 1971 में, जबकि पहला उद्योग जो बनाया गया था कब बनाया गया था? 1903 में, 1903 में पहला उद्योग बैठाया गया था। और इसके लिए उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लिमिटेड कब बना, मतलब एक पब्लिक कंपनी के रूप में कम काम करना शुरू किया, तो ये 1971 में। ठीक है, 1971 में दोस्तों बांग्लादेश अलग हुआ था, ठीक है, तो उसी के चक्कर में मिठाई बांटी जा रही थी, और मिठाई बनती कैसे, चीनी से, तो ऐसे याद कर सकते हैं। ठीक है, अभी को अचानक से याद आ गया यार। उत्तर प्रदेश में सेलखड़ी का प्रमुख खनन क्षेत्र कौन सा है? सेलखड़ी की बात करता हूँ दोस्तों, सेलखड़ी का नाम सुना सुना आपको लग रहा है, याद नहीं आ रहा, मैं याद दिलाऊं, सेलखड़ी को हमने सुना था सिंधु घाटी सभ्यता में, वहाँ की जो मुहरें होती थी वो सेलखड़ी की बनी होती थी। ठीक है, तो उसी सेलखड़ी की बात करते हैं। अगर उत्तर प्रदेश में सेलखड़ी का खनन कहाँ पे होता है, तो हमीरपुर और झांसी के पास, हमीरपुर और झांसी के पास होता है। ठीक है, हमीरपुर और झांसी के पास सेलखड़ी का प्रमुख क्षेत्र है। ठीक है, याद रहेगा आपको, ठीक है ना, तो
याद कर लीजिएगा इसको, चेदी महाजनपद राज्य की राजधानी कौन सी थी? एक जनपद था दोस्तों चेदी महाजनपद, जैसे मगध था ना, तो मगध की राजधानी पाटलिपुत्र, वत्स की राजधानी इलाहाबाद, ठीक है ना, तो ऐसे ऐसे करके था। उसी तरह चेदी महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो सुक्तिमती थी, ठीक है, एकदम अलग है इसलिए मैंने इसको बता दिया, सुक्तिमती याद रहेगा आपको, चेदी का सुक्तिमती। पोटास की बात करते हैं, पोटास लवण खनिज राज्य में सर्वाधिक कहाँ से प्राप्त होता है? तो पोटास लवण खनिज कानपुर से और गाजीपुर से, कानपुर और गाजीपुर, देखिए दोनों दो छोर पर है, कानपुर यहाँ पे है, फिर आप मान लीजिए इलाहाबाद आए, इलाहाबाद से बनारस गए, बनारस से फिर इधर गाजीपुर, तो दोनों के बीच में देखिए डिस्टेंस एकदम बिल्कुल अलग है, बहुत है, दोनों दो छोर पर हैं। इसके बाद इधर बिहार आ जाएगा, यहाँ तो कानपुर है, इसके बाद आगरा वगैरह आएगा, ठीक है, तो एकदम अलग अलग है। तो कानपुर और गाजीपुर के पास से पोटास लवण खनिज राज्य में प्राप्त होता है सर्वाधिक। वनों के विकास के लिए देश में शिक्षा प्रारंभ कब से हुई? ठीक है, वनों के विकास के लिए, कि हमारे देश में वनों का विकास होना चाहिए और इसके लिए जो देश में शिक्षा दी जा रही थी वो कब से शुरू हुई? तो 1878 से शुरू हुई दोस्तों, ठीक है, 1878 से शुरू होता है, ठीक है, 1878 कैसे आप याद रखोगे? कुछ याद करने का तरीका आपके पास है? देखिए 1875 में याद कर लीजिए, 1875 छोड़िए, 1885 में अगर हम बात करें तो कांग्रेस की स्थापना हुई थी, ठीक है, और यहाँ बात कर रहे हैं हम 1878 की, ठीक है, यानी कितने साल पहले, अभी तो यहाँ 80 आएगा, ठीक है, और 5 2 7 7 साल पहले, ठीक है, तो ऐसे करके आप कोरिलेट करके याद करने का प्रयास करिएगा। 1878 भूलिएगा मत, दो बार वीडियो देख लेंगे तो याद हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर है या इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों सन 2000 ईस्वी में, ठीक है ना, सन 2000 ईस्वी में, ठीक है। बेतवा नदी पर निर्मित, आप हमें कमेंट में बताइएगा कि ये है कहाँ पर, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर है, आप कमेंट में बताइएगा, ठीक है। बेतवा नदी पर निर्मित राजघाट बांध परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो देखिए दोस्तों बेतवा नदी को ना बेतवा माई बोला जाता है, ये मध्य प्रदेश की गंगा के नाम से भी जानी जाती है। कोई पूछे आपसे मध्य प्रदेश की गंगा किसे कहते हैं, एमपी की गंगा, मध्य प्रदेश की गंगा, तो मध्य प्रदेश की गंगा बोलते हैं बेतवा नदी को। अब मैं आपसे कहूँ कि मालवा की गंगा किसे कहते हैं, ठीक है, मालवा की गंगा, तो मालवा गंगा बोलते हैं दोस्तों छिप्रा नदी को, ठीक है ना, जिसके किनारे आपका महाकालेश्वर मंदिर है, ठीक है ना, छिप्रा नदी, ठीक है, तो याद रखिएगा मालवा की गंगा छिप्रा, तो माछी याद कर लीजिए, माछी, ठीक है ना, माखी, माछी बोलते हैं मक्खी को, तो छिप्रा हो गया, ठीक है। इसके बाद देखिए एमपी में बेतवा नदी बहती है, ठीक है, ये झांसी तक आती है, ठीक है, झांसी भी इसी किनारे है, ठीक है, तो बेतवा नदी और बेतवा नदी पर निर्मित राजघाट परियोजना, तो जाहिर सी बात है किसके अंदर होगा, जब झांसी की बात कर रहे हैं और एमपी से निकलती तो उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश की परियोजना होगी, महाराष्ट्र की थोड़ी हो जाएगी। और उत्तर प्रदेश में खनिज विकास निगम की स्थापना कब हुई दोस्तों? ठीक है, तो खनिज विकास निगम की स्थापना हुई थी 1974 में। इसके पहले देखिए जो क्वेश्चन था वो क्या था, यहाँ खनिज विकास निगम की बात कर रहा है और यहाँ खनिज नीति की बात कर रहा है, तो बिल्कुल आप कंफ्यूज मत होइएगा, पहले खनिज विकास निगम बना, ठीक है, पहले खनिज विकास निगम बना, ठीक है, खनिज विकास निगम, ठीक है, पहले ये बना आपका, बाद में इसके ऊपर नीति बनाई गई और ये बना था 1978 में, ठीक है ना, तो 78 और 20 साल बाद आपकी खनिज नीति 1998 में, तो दोनों आप कोरिलेट करके याद कर लीजिए, और एग्जाम में कई बार पूछता है और कई बार लोग गलत करते हैं, ठीक है, तो दोनों ही बातें अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है ना, 78 78, ठीक है ना, कहाँ गया, सॉरी 74 यार, 78 में क्या था, 78 गड़बड़ हो गया, तो वनों के विकास के लिए था, यहाँ 74 है, सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है ना, 74 78 नहीं 74 है यहाँ पे, ठीक है 74, तो ये कब हुआ था 74 में और 1998 में आपकी प्रथम खनिज नीति, ठीक है। इसके बाद देखिए दोस्तों क्या है, इसके बाद है चंदौसी ताप विद्युत केंद्र, चंदौसी ताप विद्युत केंद्र ये किस राज्य के किस जिले में है, तो ये मुरादाबाद जिले में दोस्तों, चंदौसी ताप विद्युत केंद्र कहाँ पर है, मुरादाबाद जिले में, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश में किस राज्य के सहयोग से ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना की गई है, तो इसकी स्थापना की गई है पूर्व सोवियत संघ की सहायता से। गैस पर आधारित आंवला ताप विद्युत परियोजना उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है, तो देखिए आंवला है बरेली में, तो ये बिल्कुल तीन आप याद कर लीजिएगा, चंदौसी मुरादाबाद ओबरा किसकी हेल्प से किया गया, तो पूर्व सोवियत संघ की हेल्प से, और आंवला वाला बरेली में, ठीक है ना। राज्य में अच्छा कैसे याद करेंगे, तो बरेली को आपको रायबरेली से याद करिए, रायबरेली में राहुल गांधी, और जब भी बोलते हैं कड़वा बोलते हैं, और आंवला कैसा होता है, तो कड़वा, तो ऐसे करके कोरिलेट करके याद रखिए, आंवला बरेली, रायबरेली तो नहीं लेकिन बरेली, ठीक है ना, बचा चंदौसी, तो चंदौसी मुरादाबाद, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों राज्य में जिला योजना समिति का गठन कब किया गया, तो 1999 में किया गया था जिला योजना समिति का गठन। निम्न में से किस जिले में तांबे का उत्पादन होता है, तो ललितपुर में होता है, तांबे का उत्पादन कहाँ पे होता है, ललितपुर में होता है। तो इस तरह से दोस्तों कोऑर्डिनेट करके चलिएगा, डेली में आपको सामने 25 क्वेश्चन लेके आऊँगा,
जो भी 10-15 मिनट का वीडियो होगा ये आपके सामने ही होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, ठीक है। और वीडियो को खूब लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, लोगों तक पहुँचाइए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और वीडियो पर ऐड आता है दोस्तों तो प्लीज़ 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 वीडियो के ऐड पर क्लिक करना मत भूलिएगा, ज़रूर से क्लिक करिएगा। सारे काम धाम छोड़ के ये काम तो ज़रूर क्या करिए। मैं जैसे सारे काम धाम छोड़ के आपको पढ़ाने का काम करता हूँ, तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप भी सारे काम धाम छोड़ के ऐड पर क्लिक तो ज़रूर किया करिए, उसके बाद पढ़ाई किया करिए, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके साथ। थैंक यू सो मच।